हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं एक स्पीच के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीच वर्ड जो है इस टॉपिक में जो दिया हुआ है, टॉपिक जो है इसमें भी कई सारे तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब सबसे पहले अगर हम स्पीच की बात करें, स्पीच होता क्या है, तो स्पीच इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है, जो बोला जाता है, वो स्पीच होता है। इसका जो रूट वर्ड होता है वो होता है स्पीक। स्पीक स्पीक मीन्स होता है बोलना या कहना। तो स्पीक जो होता है, इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो स्पीच होता है। ये इसका नाउन फॉर्म है माय डियर, स्पीच। तो इसी में देखिए दो पार्ट ऑफ स्पीच हमको यहीं पर दिखाई दे गए, एक वर्ब और एक नाउन। ओके, सो आज हम देखेंगे कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं और इनका क्या रोल होता है हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में। सो लेट्स मूव फर्स्ट टू नाउन। नाउन जब हम बोलते हैं तो हमें वही याद आ जाती है डेफिनेशंस। नाउन इज द पर्सन प्लेस ऑफ थिंग और थिंग, राइट। पर्सन प्लेस और थिंग बहुत ईजी होता है समझना बोलना, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें कंटेंट होती हैं। दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिन उन सब का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे उन चीज़ों को उनके पर्टिकुलर नाम से जानते हैं या कॉमन वे में जानते हैं, राइट। तो सारी चीज़ें जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो मीन से ऑन दी अर्थ एंड अपार्ट फ्रॉम दी अर्थ, ऑल द कंटेंट्स दैट वी कैन सी, दैट कैन बी फील, ये सभी नाउन के अंदर आ जाते हैं, राइट। फिर जब हम नाउन को कैटेगराइज करते हैं, उनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत ब्रॉड एरिया है, इतना इजी नहीं। नाउन खाली नाम, नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग नहीं होता है। इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम देखेंगे इसके बाद जो आता है नंबर टू इम्पोर्टेंट पार्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो प्रोनाउन इज द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, राइट। तो नाउन को रिप्लेस करने वाला जो वर्ड होता है वही प्रोनाउन कहलाता है। और प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको पता होगा, प्रोनाउन की जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं देख लीजिए। प्रोनाउन के एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यहाँ इसके आगे फिर हम ब्रेक लगा देते हैं, आगे और नहीं बोल पाते। प्रोनाउन इतना बड़ा होता है कि हम जब पढ़ेंगे इसके बारे में डीपली तो हमें पता चलेगा कि ये भी वर्ड्स प्रोनाउन में आते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको सेंटेंस में एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। इफ आई से आई डू वर्क, अब इसमें क्या प्रोनाउन है, आई, बिकॉज दिस इज यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और नाउन। अगर मैं बोलता हूँ आई डू माय वर्क, हाउ मेनी प्रोनाउंस आर देयर, टू प्रोनाउंस आर देयर माय डियर, आई एंड my. Now which type of pronoun is I and which type of pronoun is my? ये भी दो अलग अलग तरह के pronoun हैं, तो pronoun भी अलग अलग कई तरह के होते हैं। And if I say I do my work myself, मैं काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ और मैं अपना काम खुद करता हूँ। So three different pronouns are used in the last sentence, I do my work myself, right। जब हम pronoun को और deeply पढ़ रहे होंगे तो हम इसमें देखेंगे कि कितने तरह के pronouns होते हैं और इनको कैसे differently use किया जाता है sentences के अंदर, right। Now let's move to adjective। adjective क्या होता है, विशेषण होता है, हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं, जो संज्ञा या संज्ञा होती है विशेषता बताता है। Or we can say that adjective is a word that qualify any noun or pronoun, right? Qualify is a verb. A verb है qualify, qualify, qualified, qualified, qualifying. अब इसका adjective क्या होगा? और noun क्या होगा? Quality. तो quality दिखाने वाले, quality show करने वाले जो words होते हैं किसी noun या pronoun की, उनको हम adjective बोलते हैं। Good, better, best, right? Ravi is a tall boy. तो इसमें adjective क्या हुआ? Tall boy की speciality बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि रवि एक लंबा लड़का है, right? Ravi is taller than Shyam.
रवि श्याम से अधिक लंबा लड़का है, तो यहाँ पर भी उसकी विशेषता बता रहा है कि वो श्याम से ज्यादा लंबा है, तो टॉलर इज अ ऑल्सो एडजेक्टिव, राइट। रवि इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थ्री डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। सो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियोज में। अभी हम मूव करेंगे वर्ब की तरफ। तो वर्ब जो होता है, ये वर्ब इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑल सेंटेंसेस और ऑल ग्रामर, यू नो, क्योंकि वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता। जब हम एक्शन दिखाएंगे ही नहीं उसमें, तब तक कैसे चले पता चलेगा कि चल क्या रहा है सेंटेंस के अंदर, राइट। जैसे गो, ईट, ड्रिंक, रेडी, रिप्लाई, ऑल मीन सो मैनी वर्ब्स आर देयर, यू नो। जितने हम काम करते हैं दिन भर में हमको खुद पता नहीं चलता, सुबह से शाम तक हमने कितने क्या क्या काम किए, उठना, बैठना, सोना, जागना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, मीन्स सो मैनी वर्ब्स आर देयर, यू नो, एंड ईच वर्ब हैज इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब से हमें पता चलता है कि क्या एक्शन हो रहा है, और एडवर्ब से ये पता चलता है कि जो एक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, उसकी विशेषता क्या है। सो द वर्ड विच क्वालिफाइज और विच डिस्क्राइब्स अबाउट द वर्ब और अबाउट द एक्शन डन इन द सेंटेंस, तो उसके बारे में ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा दौड़ता है। अगर मैं बोलता हूँ घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है? वर्ब है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? फास्ट, तेज दौड़ता है। तो दौड़ने का जो विशेषता क्या है? और तेज दौड़ता है, यानी कि दौड़ने से भी तेज है। ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि दौड़ना तो कई तरह से हो सकता है, लेकिन तेज दौड़ता है, ये इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? वर्ब की। सो वर्ब की विशेषता बताने वाले बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स की विशेषता बताते हैं। शी राइट्स ब्यूटीफुली, राइट। सो और भी कई तरह के एडवर्ब्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट वर्ब्स के लिए यूज करते हैं, उनकी विशेषता बताने के लिए। लेट्स मूव टू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन से समझ में आता है हमको कि पोजिशन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन बताने के पहले जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए वो प्रीपोजिशन कहलाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम देखेंगे इस चीज को। दिस इज अ टेबल एंड दिस इज अ बॉल। वेयर द बॉल इज नाउ? द बॉल इज ऑन द टेबल। इफ आई पुट द बॉल हियर देन इट बिकम्स द बॉल इज अंडर द टेबल, एंड इफ वी ड्रैग दिस बॉल हियर दैट मीन्स द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल। इफ वी पुट दिस बॉल हियर, तो क्या बोलेंगे इसको? द बॉल इज बिसाइड द टेबल माई डियर। और अगर ये बॉल यहां पर होती है टेबल के जस्ट ऊपर हैंगिंग, तब हम क्या बोलेंगे इसको? द बॉल इज ओवर द टेबल। और अगर बॉल ये इसके पीछे होती है टेबल के, तब हम इसको बोलेंगे द बॉल इज बिहाइंड द टेबल। गॉट इट माई डियर? तो एक टेबल और बॉल के कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे प्रीपोजिशंस का यूज करते हुए देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा और बहुत सारी और वर्ब प्रीपोजिशंस होती हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंटली डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। नाउ लेट्स मूव टू कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? यू नो, कंजंक्शन जो वर्ड है ये जंक्शन से बना है। जंक्शन तो सभी जानते हैं, एक पॉइंट होता है जहां से बहुत सारी ट्रेन जो है वो चलती हैं, कुछ ट्रेन सीधी जाती हैं और कुछ वहां से अपना रूट चेंज करके अलग दूसरे डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर मीटिंग पॉइंट, ये कहलाता है जंक्शन, राइट। और अकॉर्डिंग टू ग्रामर, जब हम यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे रूट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, राइट, ज्वाइंट किया जा रहा है। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, जब हम दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके,
तो ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं वो वर्ड्स जो हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। एंड बट और नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज एल्स एज सून एज नीदर नॉर नीदर और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनको कनेक्टर्स भी बोलते हैं राइट। तो इनको हम एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। देन कम्स इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत ही वंडरफुल इसका यूज होता है, और ये इसका जो यूज होता है वो होता है सडन एक्सप्रेशंस जो होते हैं, सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन हैपनिंग्स होती हैं, उसके लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। इस वजह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है कि जब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं तो इसके बाद ये मार्क आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोला जाता है। ये जब आता है तो समझ लीजिए ये वर्ड जो है ये एज ए इंटरजेक्शन यूज किया गया है राइट। वाह, ओ, अलास, ब्रेवो। इसमें क्या होता है जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं तो हमारी एक्सप्रेशंस भी वैसे ही बनते हैं। वाह, व्हाट अ वंडरफुल व्यू इज इट इज राइट। सो हमारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो भी उसी तरह के आते हैं, जिस तरह के ये वर्ड्स और इमोशंस एक्सप्रेशंस की फीलिंग आती है उसी तरह हमारे एक्सप्रेशन, हमारा जो जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो उसी तरह से एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं। सो आई थिंक यू गॉट ऑल दीज वेरी वेल एंड अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नाउन के बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन क्या है और इसको कैसे कैसे यूज किया जाता है, कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। टिल देन हैव अ सेफ टाइम, एंजॉय।